यहाँ पर आने का मकसद यह है जो मुस्कान के ऊपर कल परसों रात में जो वाकया हुआ वो वाकया कल मालूम होने के बाद साहब यहाँ पर आए, सुदर्शन रेड्डी साहब उनके साथ हम सब जो लोग भी आए, सुदर्शन रेड्डी साहब उनसे उनके खानदान अफराद से बात किए। बात करने के बाद मालूम ये हुआ कि उनके वालदा और उन दोनों ही यहाँ रहते, वालदा थोड़ा बहुत मेंटली अनसेट है उन लोगों, तो वो बच्ची यहाँ रहती, लिहाजा वो राधा कृष्णा जो भी है वो राधा कृष्णा को डिपार्टमेंट पुलिस अरेस्ट कर रिमांड करा। रिमांड करने का हम एक 24 घंटे के अंदर उसको रिमांड किए और ऐसे वाकये ऐसे वारदात आइंदा नहीं होना। इंसानियत के नाते हम सब मिलकर रहने वाले हैं और रहेंगे, लेकिन ऐसे वाकयों को हम खंडन कर रहे हैं। वैसे ही साहब के थ्रो तहसीलदार साहब को, IDCS चेयरमैन को जो बात करे, ऑफिसर को बात करे, वो बच्ची को एक मकान, वो बच्ची के नाम से ही मकान डबल बेडरूम में एक मकान दिया जा रहा है। वैसे ही वो बच्ची को एक आया के टाइप पे एक नौकरी भी दिया जाने के लिए हिदायत दी। चीज आइंदा नहीं होने के लिए अपन इसको खंडन करेंगे और ऐसा करने वालों को हमेशा हुकूमत बराबर केस करके उनको अंदर डालेंगे।